दोस्तों पिछले साल Xiaomi ने इंडिया में Redmi Y सीरीज शुरू की थी, जो कि सेल्फी लवर्स की जरूरतों को ध्यान में रख के इंडिया में लाई गई थी, और उन्होंने बाई वन स्मार्टफोन के साथ में इसकी शुरुआत की थी। दोस्तों अब जल्दी ही इंडिया के अंदर Xiaomi Redmi Y 2 लॉन्च होने वाला है। उसके कुछ फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और प्राइस एक लीक से पता चला है, उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं और बताने वाला हूं आपको कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, क्या इसका प्राइस रहेगा और मेरा ओपिनियन क्या रहेगा इस फोन के बारे में। दोस्तों Redmi Y 2 दो वेरिएंट में आपके लिए अवेलेबल रहेगा। 3 GB की रैम के साथ में आपको 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, और आपको 4 GB की रैम के साथ में 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और इसके अंदर जो प्रोसेसर का चिप सेट होगा वो स्नैपड्रैगन 625 होगा, जो जो कि बाई वन के अंदर भी सेम था। और अब बात करते हैं इसके स्क्रीन साइज और डिस्प्ले की। तो दोस्तों इसका जो स्क्रीन साइज रहेगा वो 5.99 इंचेस का रहेगा, और जो रेशियो रहेगा स्क्रीन का वो 18:9 रहेगा, जो कि आपको काफी बड़ी स्क्रीन इसमें मिल जाएगी, जो कि बाई वन में आपको नहीं मिलती थी। के बेजल्स को काफी हद तक कम कर दिया गया है और देखने में फोन काफी अच्छा लगता है। और इसके अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 3080 mAh की बैटरी लगाई गई है। हालांकि इस सीरीज का जो पुराना फोन था Redmi Y 1, उसके अंदर भी सेम बैटरी लगाई गई थी और उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और इसके अंदर जो स्क्रीन है वो HD है, तो बैटरी आपकी ऐसे में खूब चलेगी। अगर HD+ होता तो वहां पर बैटरी आपकी थोड़ा कम चलती। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। सेल्फी सेंट्रिक कैमरा है, आप अच्छी सेल्फी लेने के लिए इस कैमरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बाई वन के अंदर भी सेम कैमरा था, लेकिन इसके एपरेचर में और कैमरा लेंसेज में चेंज किया गया है, जिससे कि आपको पहले से बेहतर सेल्फी मिल जाएंगी। इसके बैक साइड में दो कैमरे लगे हैं, जो कि एक बड़ा चेंज है। Redmi Y 1 के अंदर सिर्फ आपको एक कैमरा मिलता है, इसके अंदर के आप बोके इफेक्ट वाली इमेजेस नहीं क्लिक कर पाते थे, इसके अंदर वो आप कर पाएंगे। तो यही सारे स्पेसिफिकेशन आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे इसके प्राइस की, तो ये कितने प्राइस में, कितने रुपए में आपको मिल जाएगा। इसका जो 3 GB वाला वेरियंट है वो 9999 में आपको मिल जाएगा, ऐसा एक लीक के दौरान पता चला है। और इसका जो हायर वेरिएंट है 4 GB की रैम और 64 GB के स्टोरेज के साथ में, वो आपको 11999 का, यानी कि वो आपको 12,000 रुपये का पड़ेगा। तो आप पहले से ही बाई वन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने फ़ोन को, तो आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं। MI के फ़ोन अच्छे होते हैं, बजट फ़ोन होते हैं, तो आप इस फोन को ले सकते हैं। और आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, 15-16 हज़ार के करीब में है, तो आप Redmi Note 5 Pro ही लेना, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसके अंदर जो कैमरा है, बैटरी है, डिस्प्ले है, वो सब इससे बेहतर है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ में मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें कोई नई टेक्निक।